अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो है पाँच मिनट, सिर्फ पाँच मिनट में अपने हाथों का गोरा करने का तरीका। आपके हाथों के ऊपर जितनी भी तमाम मैल जमी हुई है, जितनी भी आपके रंगत स्याह हो गई है धूप की वजह से या किसी भी और वजह से, तो हम आज आपको इसका टोटका आसान और घरेलू इलाज बताएंगे, जिसके मदद से सिर्फ पाँच मिनट में आप अपने हाथों को गोरा से गोरा कर सकेंगे। क्योंकि अक्सरियत देखा गया है कि औरतें जो होती हैं वो मुंह के ऊपर क्रीमें लगा लेती हैं, मुंह तो उनका रंगत जो होती है वो सफ़ेद और गोरा हो जाता है, लेकिन उसके देखने में अक्सरियत आया है पाँव और हाथों में। तो आज हम आपको एक सिर्फ आसान सा टोटका बताएंगे और ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपके घर में बआसानी मिल भी जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही कारामद चीज़ है, सस्ती सी है, देखने में आप उसे नागवार समझते होंगे, यानी कि हकीर समझते होंगे कि इतनी सस्ती सी चीज़ है, लेकिन उसका इतना फ़ायदा है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी हफाजत रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हम आज इस पे ऊपर आपको बताएंगे कि उसका कैसे आपने अपने हाथों और पाँव की रंगत को साफ़ करना है, उसके ऊपर जमी हुई तमाम मैल को कैसे साफ़ करना है। तो इस इलाज बताने से पहले, जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल पंजाबी डॉक्टर टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि इस तरह की जो मजीद वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हाथों के ऊपर यानी कि उनका रंगत क्यों ब्लैक हो जाती है। हाथों की मदद से हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, जिसमें गिर्द गुबार वगैरह उसके ऊपर जम जाती है, जो अक्सरियत देखने में आया है कि पानी की वजह धोने से भी वो साफ़ नहीं हो सकती। ऐसा ऐसा हाथों की रंगत जो होती है ब्लैक होना शुरू हो जाती है, या बाहर के धूप में अक्सरियत काम करने की वजह से हमारे हाथ जो ओपन होते हैं तो पीछे तो आस्तीनें होती हैं, तो इस वजह से हाथों की रंगत धूप की वजह से भी ब्लैकनेस हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी के बहस बनती है। तो इसलिए आज हम आपको इसका आसान और घरेलू इलाज बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कैसे उन्हें बनाना है और किस तरह उन्हें इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको चाहिए पानी, बेकिंग सोडा और लीमू मिल जाए तो वो भी बेहतर है। ये देख रहे होंगे जिस तरह ये है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, हर घर में बआसानी मिल जाएगा। और ये है सादा पानी, इसकी जगह अगर आपके पास लीमू का रस मिलता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मैं आपको अभी, ये देखें आप, इसकी एक से दो चम्मच आप ले लें किसी अलहदा बर्तन या किसी अलहदा जार में। तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेते हैं, पानी की एक से दो चम्मच और मज़ीद ऐड करेंगे। तो इसको अब इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो ये आप देख रहे होंगे कि इसे अच्छी तरह मिक्स करने से ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर इससे, ये देखें, अगर इसका ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला बन जाता है तो इसमें आप जो है बेकिंग सोडा वो मज़ीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस तकरीबन इतना गाढ़ा हो कि आपके हाथों के ऊपर जो लेप आप करते हैं तो उसके वो आसानी के साथ ऊपर यानी कि उसकी तय बन जाए। तो अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे किसी भी टूथब्रश से या ब्लीचिंग ब्रश से आप इसे अपने हाथों की मदद से उसके ऊपर लेप करें, तो अच्छी तरह लेप कर लें, ताकि यानी कि वो आप पाँच मिनट तकरीबन उसके ऊपर अच्छी तरह लेप करते रहें। उसका जो यानी कि एक मरतबा लेप इसकी अच्छी से तय बनाने के बाद इसे पाँच मिनट तक लगे रहने दें, ताकि अच्छी तरह वो आपके हाथों के ऊपर जो है यानी कि मैल को आसानी के साथ वो यानी कि उसका यानी कि अखराज जो है या उसकी दूरी है वो ख़त्म कर सके। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि पाँच मिनट वो लगाने के बाद, पाँच मिनट के बाद मैंने पानी की मदद से धोया, तो आप ये मेरे दोनों हाथों की मदद से देख सकते हैं कि एक हाथ आपकी रंगत को अभी इसे पाँच मिनट लगाने से इतनी चेंज हो गई है। तो अगर आप मुसलसल ये तीन से चार दिन या एक हफ़्ता मुसलसल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ सफ़ेद से सफ़ेद होते जाएंगे।